हेलो गाइस, गुड इवनिंग। अभी रात हो चुका है लेकिन आप लोगों को गुड इवनिंग बोल रही हूँ क्योंकि अभी तक मैं हम लोगों ने सोया नहीं इसलिए। और फिलहाल देख सकते हैं मैं तैयार हो चुकी हूँ। किस वजह से तैयार हूँ जो नए हैं उनको बता देती हूँ। आज कुछ हस्बैंड के लिए सरप्राइज प्लान किया है तो इस वजह से मैं सजी हूँ। और देख सकते हैं पीछे भी कुछ सजाया है थोड़ा बहुत, क्योंकि यहाँ पर सरप्राइज प्लान करे कुछ भी चीज़ें नहीं मिलता है टाइम से, तो खुद हाथों से बनाया है ये चीज़ें। तो चलो बैक कैमरा से आप लोगों को अच्छे से दिखाते हैं कैसे बनाया। गाइस देख सकते हैं ये हमारा केक है, ब्लैक मतलब चॉकलेट वाला केक। और यहाँ पर क्या बुरी बात है, हैप्पी एनिवर्सरी वाला लिखा ही नहीं है। और हमारा 6th एनिवर्सरी है जो कि मोम से ही काम चलाना पड़ रहा है, यहाँ पर तो लिखा ही नहीं है। और फिलहाल ऊपर देख सकते हैं मैंने थोड़ा जो हैप्पी एनिवर्सरी वाला बैनर बनाया था उसका कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा गलत हो गया, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे पहले पता होता कि दिखाई नहीं देगा ये, तो मैं दूसरी कलर से कर लेता। लेकिन देख सकते हैं मैंने जितना भी सजाया अपना मैंने दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और मैं गाना सुनते हुए डेकोरेट कर रही थी। तो गाइस यहाँ पर मैं बोल रही हूँ फिस फिस करके कि मेरे हस्बैंड आ चुके हैं, तो इसको लाइट ऑफ कर देते हैं नहीं तो सरप्राइज नहीं रहेगा। तो फिलहाल अभी दरवाजे पे हैं मेरे हस्बैंड और मैं बोल रही हूँ कौन है। और ज़्यादातर मेरे जब हस्बैंड आते हैं तो मैं ऐसे ही करती हूँ, कौन है मतलब थोड़ा सा मजाक मस्ती कर लेते हैं। और मेरे हस्बैंड कुछ पासवर्ड है वो बोलते हैं, फिर अंदर आने को देते हैं। हस्बैंड जी थोड़ा सा देख सकते हैं मुझे देखकर थोड़ा सा शॉकिंग हो चुके हैं और बोल रहे हैं ये क्या है, सज धज कर अभी आप खड़े हो। और मेरे हस्बैंड को पता ही नहीं है कि मैं सब कर रही हूँ। फिलहाल मेरे हस्बैंड को देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा स्माइल कर रही थी। और अभी देख सकते हैं मेरे प्यारा सा हस्बैंड प्यारा सा फूल गुलदस्ता बनाकर दे रहे हैं मुझे और बोल रहे हैं गरीब का गुलदस्ता ले लो, गरीब और क्या दे सकता है। तो अभी देख सकते हैं मैं बोल रही हूँ इतना प्यारा है गुलदस्ता, मुझे बहुत पसंद आया, तो थैंक यू बोल रहे हैं। और बोल रहे हैं मैं ये चुरा कर लाई हूँ फूल और ड्यूटी में बैठ कर गुलदस्ता बनाया, तो मैं बोल रही हूँ आपके लिए भी कुछ सरप्राइज़ है। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं क्या सरप्राइज़ है, तो मैं बोल रही हूँ ऐसे नहीं, आप अपने आँखें बंद करो, लेकिन चीटिंग कर रहे थे मेरे हस्बैंड। तो मैं बोल रही हूँ ये गुलदस्ता पकड़ो, फिर आप लोग आपको मैं आँखें बंद करके फिर ले जाऊँगी, नहीं तो आप चीटिंग करोगे। तो चलो धीरे धीरे। और दोस्तों अंधेरे में जाकर मैं बोल रही हूँ कैसे सरप्राइज़ दूँ, और मैं सरप्राइज़ प्लान कभी भी नहीं किया है और अंधेरे में जाकर बोल रही हूँ कैसे सरप्राइज़ दूँ, कैसे क्या करूँ। और मेरे हस्बैंड बोले जल्दी करो मुझे नींद आ जाएगी, मैं आँखें बंद करके हूँ। तो मैं फटाफट फिर लाइट जला दिया और मैं बोल रही हूँ अपने आँखें खोलो। और देख सकते हैं मेरे हस्बैंड का शॉकिंग चेहरा, जो कि उनको तो पता ही नहीं है मैं सुबह से इतना काम कर रही हूँ। और जो मेरे फर्स्ट पार्ट देखे हैं उनको पता ही होगा कि हस्बैंड का आज मतलब इतना व्यस्त थे, सिर्फ घर को आ रहे थे खाना खाने के लिए और फिर चले गए थे। तो इस जो ठीक ही था मेरे लिए, अच्छा था कि मेरे हस्बैंड नहीं है इस बीच में मैं काम कर सकती हूँ, नहीं तो उनको पता चल जाता। तो देखो केक भी देखकर इतना शॉकिंग हो रहे हैं और मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कैसे किया कैसे किया। और हस्बैंड जी बोल रहे थे कौन हेल्प किया आपको, तो मैं बोल रही हूँ कौन हेल्प करेगा, किसको हेल्प मांगे, हेल्प मांगेंगे तो वो पार्टी मांगेगा और अभी फिलहाल पार्टी नहीं देनी थी हमें, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम लोग अभी पार्टी नहीं देंगे, प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा फिर पार्टी देंगे। फिलहाल क्या है कि हम लोग कभी भी मतलब एनिवर्सरी पार्टी नहीं मनाए हैं, आज फर्स्ट बार मना रहे हैं। तो ये कभी तो जिंदगी में किया नहीं, अब अचानक से देख के मेरे मुझे तो कई गलत गांव में तो नहीं आ गया मैंने हाँ कभी भी नहीं किया हम लोग बर्थडे, हम लोग कभी किया ही नहीं कभी। अभी आके इसे देख रहा हूँ मैं तो डर गया, मैं तो बोला बाप रे बाप रे क्या हो गया, डर गई और देख सकते हैं कितना प्यारा गुलदस्ता मेरे लिए बनाकर लाए हैं मेरे हस्बैंड। हाँ वो तो मुझे पता था कि आज एनिवर्सरी है, चलो कुछ ना कुछ तो देना जरूरी है। और आज टाइम भी बहुत हो चुका है, 11 बज चुका है, और आप चाहिए सरप्राइज मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेलकम हस्बैंड जी, मोस्ट वेलकम। तो चलो ज्यादा देर नहीं करेंगे, केक कटना है फिर डांस वंस करेंगे। डांस
सकते हैं मेरा लुक जो कि बहुत ही अच्छा है। बहुत ही अच्छा है, मैं तो फर्स्ट बार ऐसे लुक देख रहा हूँ। मुझे लगा कि पार्टी में तो नहीं जा रहा है कि हम लोग, बाद में पता लगा तो ये तो घर में पार्टी मना रहा है। मैं तो पहले से सोच लिया कि आज बहुत रात हो गया, ज्यादा कुछ होगा नहीं, थोड़ा बोला खाना वाना खाएंगे, थोड़ा सा एक गुलदस्ता दे दिया, बस इतना ही मैं सोचा था। लेकिन मुझे नहीं पता था ये सब भी है साथ में। थोड़ा सा लेट हो सोएंगे कोई बात नहीं है, क्योंकि साल में एक ही बार आता है एनिवर्सरी। तो दोस्तों अभी केक कटेंगे हम लोग। तो मैं बोल रही थी दोस्तों हमारा DSLR कैमरा नहीं है तो ऐसे ही दिखा पाएंगे, ज़्यादा मतलब अच्छे से नहीं दिखा पाएंगे जितना हो अब लोगों को दिखाएंगे। तो चलो अभी केक काटते हैं। तो मुझे माचिस चाहिए था तो मैं भूल गई थी, तो अभी माचिस से मोमबत्ती जलाएंगे और केक काटेंगे। जलाओ माचिस, आप लोग गाना गाओ, व्यूअर्स फॉलोअर्स जो भी है आप लोग गाना गाओ, ठीक है। क्या गाना गाते हैं एनिवर्सरी का, कोई भी गाना नहीं है। तो दोस्तों केक काटने से पहले सभी लोग जो करते हैं वही हम लोग करेंगे, सेल्फी खींचेंगे जो कि सभी करते हैं केक काटने से पहले व कुछ भी चीज़ें करने से पहले। फ़ोटो खींचना मतलब इतना आदत बुरी हो चुकी है सभी का, क्या करें हमारा भी आदत बुरी है। तो फोटो मतलब केक काटने से पहले फ़ोटो खींचा रहे हैं, मेरे दिमाग में तो नहीं था, मेरे हस्बैंड जी ने ही बोला। तो दोस्तों ऐसे ही बैठ कर हमें काटना पड़ेगा एनिवर्सरी के, और घर वालों को बताना चाह रहे थे लेकिन बहुत रात हो चुकी है और मैं तो इस कामों के वजह से व्यस्त थी इसलिए फोन भी नहीं कर पाए। मैंने सोचा हस्बैंड जल्दी आ जाएंगे और फिर फोन करेंगे। हाँ और क्या कर सकते हैं, कल करेंगे, अभी तो सारे सो चुके हैं। लेकिन फैमिली साथ ना हो तो अच्छा नहीं लगता, मतलब फोन भी कर देते तो अच्छा होता, तो क्या कर सकते हैं। और उनका याद भी आ रही है, फैमिली की वजह से ही हम लोग हैं, तो फैमिली को ही भूल जाएंगे तो क्या फ़ायदा। तो हम लोग भूले नहीं हैं, सिर्फ थोड़ा सा व्यस्त थे इस वजह से, और अभी रात हो चुका है, गांव में सारे सो चुके हैं। इसको भी मतलब नींद आ रही है, अभी 12 बज चुका है, ठीक है अभी करेंगे। तो चलो दोस्तों अब लोग गाना गाओ, तो चलो इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं। क्या बोल रहे हो, पता नहीं क्या है इसमें, थोड़ा सा इसको साइड कर देते हैं। और क्या लो Happy anniversary, Utpalin Priya. कोई भी तो गाना गाओ भाई, ऐसे थोड़े हाथ से उठाओ। बहुत ही टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। और ये मेरा व्यूअर सब्सक्राइबर और जो इनका दोस्त है उनके लिए तो आप लोग खा लो प्लीज, पास से खिला दी, खा लो। तो कैसा था, टेस्टी था ना, तो चलो खाओ। अरे हाँ तो उल्टा हो रही है, खाओ खाओ। तो दोस्तों आप लोगों को एक राज के बाद बताऊं, हम लोग लाइफ में कभी भी इतना ब्यूटीफुल केक काटा ही नहीं है, और भी ब्यूटीफुल है लेकिन ये हमारे लिए ब्यूटीफुल केक है। तो लाइफ में मतलब केक कभी भी नहीं काटे हैं, केक काटे हैं घर में बनाया हुआ जो कि फ्रीज वगैरह कुछ भी नहीं है, तो ऐसे वाला डेकोरेट नहीं किया था, वो सिंपल वाला ही काटे हैं। लेकिन इतना प्यार सा केक आज लाइफ में फर्स्ट बार काट रहे हैं और पार्टी भी घर में फर्स्ट बार रख रहे हैं, इतना अच्छे से सजाया, जो जितना भी सजाया अच्छा लगा। और मैं बोल रही थी मेरे दोस्त लोग अगर वीडियो देखेंगे तो बोल गया एक अकेले अकेले खा लिया केक, मेरे जानकारी के बगैर भी और जो नए है अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए और एक लाइक भी करना, लाइक कम आ रहा है क्यों। तो फिलहाल
अभी हम लोग खाना खाएंगे और पहले तो केक खिला लेते हैं अच्छे से। हाँ, ये वाला क्या है? ये वाला कौन सा कटोरी दे दे रहा है? खाने वाला तो दिखने वाला है, दिखने वाला सा कौन सा कटोरी दे दिया? ये वाला क्या है? पहली बार काटा जिंदगी में, पहली बार काटा, सही में जिंदगी में पहली बार ऐसे केक काटे हैं हम लोग। जिंदगी में पहली बार बर्थडे पे नहीं बनाए कभी, सच में पहली बार से बनाए तो पहली बार काटा मैं, क्या पता सच में पहली बार ऐसे केक काटे हैं हम लोग। मतलब इतना मूर्ख आदमी है हम लोग नहीं कुछ कुछ चीजें मतलब नहीं जानते हैं तो इस वजह से मूर्ख भी नहीं है, ठीक है, पता है। तो चलो दोस्तों, गुड नाइट, अब लोग अच्छे से रहिए अभी के लिए, बाय बाय, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट। तो गाइस हम लोग स्पेशल पार्टी मनाने के बाद अभी रात के 1 बजे खाना खा रहे हैं और मैं खाना खाने के लिए बैठ रही थी, एक निवाला मुंह में ले रही थी और मुझे बाद में पता चल रहा था कि मैं क्या क्या कुकिंग कर रही करके रखी थी, वो भूल गई थी लाने के लिए। वो एक बार खा रही हूँ फिर जाकर ला रही हूँ, ऐसे कुछ हो रहा था। जो भी हो दोस्तों, पार्टी अच्छे से मतलब इंजॉय किया हम लोग, बाद में थोड़ा सा डांस किया लेकिन वीडियो नहीं कर पाए। फिलहाल मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लगा सरप्राइज़, थैंक यू दोस्तों।